नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशीष। स्वागत है आपका एक बार फिर से दोस्तों मेरे चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो डी फार्मा का दोस्तों एग्जिट एग्जाम होने वाला है। सब्जेक्ट है दोस्तों फार्माकोलॉजी, उसके ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है दोस्तों वो लेकर आया हूँ। मेरा फर्स्ट पार्ट दोस्तों फार्माकोलॉजी का बन चुका है, आप जाकर उसको वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। और भी सब्जेक्ट का दोस्तों HAP हो गया और फार्मास्यूटिक्स हो गया, उसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों बन गया है, आप लोग जाके प्ले लिस्ट में दोस्तों देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, दोस्तों थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिएगा अभी से, तभी इसीलिए कॉन्फिडेंस आएगा, आप एग्जिट एग्जाम आसानी से दोस्तों क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए गए हैं जो कि दोस्तों उम्मीद है कि दोस्तों आप पूरा वीडियो देखेंगे। दोस्तों देखिएगा पूरा वीडियो, अगर क्वेश्चन अच्छा लगे दोस्तों लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 के बारे में। द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एल्ब्राजोलम, दोस्तों एल्ब्राजोलम का जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है वो दोस्तों उसमें आंसर क्या है उसका, उसका दोस्तों आंसर है बी वाला, 2-amino-5-chlorine, ये वाला। ठीक है ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। आइडेंटिफिकेशन द ड्रग विच इज नॉट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया काज बाई प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरी, दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ये पूछ रहा है, इसमें से आइडेंटिफाई करिए कि कौन सी ड्रग है जो मलेरिया के ट्रीटमेंट में दोस्तों नहीं होता, जो कि प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के कारण होता है, उसमें यूज नहीं होता, उसमें दोस्तों आर्टिमिसिन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे निकोटिनिक एक्शन ऑफ एसिटाइल इज ब्लॉक्ड बाय ड्रग, निकोटिनिक एक्शन दोस्तों डी ट्यूबेकुरेनिन होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, डी वाला इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे द गिवन एंटीबायोटिक इज एग्जांपल ऑफ एंसामाइसिन, इसका दोस्तों रिफाम्पिसिन हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों एरियोमाइसिन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन इज कैन बी गिवन ओरली फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस बिकॉज दोस्तों जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है वो टीबी के यूज में किया जाता है दोस्तों, वो दोस्तों क्यों ओरली दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, वही क्वेश्चन पूछा गया, क्यों दिया जाता है दोस्तों। इट डज नॉट एब्जॉर्ब फ्रॉम द GIT, दोस्तों जो स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन होता है उसको सिर्फ ओरली नहीं दिया जाता, वह IV रूट दिया जाता है दोस्तों, क्योंकि अगर उसको ओरली देंगे तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। ठीक है, ये वाला दोस्तों सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग सो हाई फास्ट मेटाबोलिजम्स, हाई फास्ट मेटाबोलिज्म दोस्तों किसका है, वो है दोस्तों प्रोपेनोलॉल। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे K वैल्यू दोस्तों इंडिकेट करता है वो क्या होता है, एफिनिटी, उसको एफिनिटी बोलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग एवर द फर्स्ट पार्ट इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स, दोस्तों इसका मतलब ये विच ऑफ द फॉलोइंग एवॉयड फर्स्ट पास इफेक्ट ऑफ द ड्रग, इसका मतलब है दोस्तों फर्स्ट पार्ट मेटाबोलिज्म जो कि GIT से ना होकर डायरेक्ट इंट्रावेनस से जाके हो दोस्तों। ठीक है, ये वाला दोस्तों सही हो जाएगा, सी वाला। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे एंजाइम ड्रग यूज फॉर एक्यूट ल्यूकेमिया ट्रीटमेंट, एंजाइम ड्रग जो होता है दोस्तों एक्यूट ल्यूकेमिया ट्रीटमेंट में यूज होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, डाइहाइड्रोफोलेट रिटकडेज जो होता है एंजाइम दोस्तों वही यूज होता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 80 के बारे में। दोस्तों आप ये क्वेश्चन पे मत जाइएगा, ये जो दोस्तों क्वेश्चन है, जो दोस्तों क्वेश्चन का जो नंबरिंग है उस पर मत जाइएगा, जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बस उसी का दोस्तों PDF बना है। ठीक है, उसमें से दोस्तों खोज कर PDF द्वारा दोस्तों बनाया गया है। चूज द एंटी कैंसर ड्रग ए पिरामिड एंटागोनिस्ट, दोस्तों एंटी कैंसर ड्रग कौन सा है, वह दोस्तों फ्लोरोक्सासिल। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे 81 के बारे में। द ड्रग यूज इन्फ्लुएंजा ए प्रिवेंशन, दोस्तों इन्फ्लुएंजा में कौन सा ड्रग यूज होता है, रिमाटाडिन।
नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे द ड्रग इनहिबिटिंग वायरल डीएनए सिंथेसिस। दोस्तों एंटीवायरल क्या आता है, साइक्लोविर इंजेक्शन आता है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे साइक्लोविर एंटी एंगल, जैसे चेचक वगैरह हुआ है दोस्तों तो उसमें यूज होता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे हु चूज द ड्रग हु यूज फॉर अमीबियासिस ट्रीटमेंट। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमीबियासिस में दोस्तों जो पेट में दोस्तों जो केचुए पड़ जाते हैं उसको बोलते हैं, उसमें दोस्तों कौन सा ड्रग यूज किया जाता है, वो बोलते हैं दोस्तों लेडोक्विनोल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे द ड्रग यूज फॉर मलेरिया कीमोफायरेलेक्सिस एंड ट्रीटमेंट। दोस्तों मलेरिया में कौन सा ड्रग यूज होता है, मलेरिया में दोस्तों कौन सा ड्रग यूज होता है, वो होता है दोस्तों क्लोरोक्विनिन। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे द ड्रग ऑफ चॉइस द ड्रग ऑफ चॉइस टू सिफाइलिस ट्रीटमेंट। दोस्तों सिफाइलिस ट्रीटमेंट में क्या यूज होता है, कौन सा ड्रग यूज होता है, दोस्तों होता है पेनिलिन। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन एक्शंस इज थ्रू इनहिबिटिंग। जो दोस्तों स्ट्रेप्टोमाइसिन जो इंजेक्शन आता है उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस क्या है दोस्तों, वही पूछा गया, वो क्या करता है, वो दोस्तों प्रोटीन सिंथेसिस को दोस्तों क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज फॉर द कंडियासिस ट्रीटमेंट। कंडियासिस ट्रीटमेंट दोस्तों कौन सा ड्रग यूज किया जाता है, दोस्तों माइकोनाजोल दोस्तों इसमें यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे द ड्रग एक्ट इन द डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। दोस्तों डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में दोस्तों क्या यूज होता है, थियाजाइड डाइयूरेटिक दोस्तों यूज होता है। नेक्स्ट बात करेंगे साइड इफेक्ट ऑफ कैल्सिटोनिन इज कैल्सिटोनिन जो दोस्तों होता है उसका साइड इफेक्ट क्या है, उसका साइड इफेक्ट दोस्तों है टिटेनी। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे विच ऑफ द हिस्टामिन H1 एंटागोनिस्ट इज नोटेड फॉर द सीरोटोनिन ब्लॉकिंग इफेक्ट। विच ऑफ द एंटी जो दोस्तों हिस्टामिन होता है एंटी हिस्टामिन हिस्टामिन H1 एंटागोनिस्ट इज नोटेड फॉर द सीरोटोनिन ब्लॉकिंग इफेक्ट। दोस्तों जो सीरोटोनिन को दोस्तों ब्लॉक करता है उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, वही क्वेश्चन पूछा गया है, उसको दोस्तों बोलते हैं क्रिप्टोहेप्टिडीन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोकार्टिकॉइड इज ए लॉन्ग एक्टिंग ड्रग। दोस्तों ग्लूकोकार्टिकॉइड जो होता है लॉन्ग एक्टिंग ड्रग में कैटेगरी है, लॉन्ग एक्टिंग शॉर्ट एक्टिंग कैटेगरी होती है, कौन सी दोस्तों है इसमें, दोस्तों इसमें हो जाएगा डेक्सामेथासोन दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज प्रोड्यूस बाई थायरोटिक ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड्स दोस्तों कौन सी हार्मोन्स जो प्रोड्यूस होती है, वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, कौन सा दोस्तों होता है इसमें, दोस्तों ट्राईआयडोथायरोनिन दोस्तों जो होता है तीसरा वाला यही सही होता है, यही रिलीज होता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे सेलेक्ट एन इंडोक्राइन ड्रग विच इज स्टेरॉयडल डेरिवेटिव। दोस्तों स्टेरॉयडल डेरिवेटिव दोस्तों हाइड्रोकार्टिसोन होता है। ठीक है, ये वाला दोस्तों सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों द फॉलोइंग इरगोट डेरिवेटिव इज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट माइग्रेन अटैक। माइग्रेन अटैक में दोस्तों इरगोटामाइन दोस्तों यूज होता है, जो कि इरगोट एल्कोलाइड है एक प्रकार का, फार्माकोलॉजी के दोस्तों क्लासिफिकेशन में है स्टार्टिंग वाले में। आइडेंटिफिकेशन द डायूरेटिक एजेंट विच इज हैविंग इंपोर्टेंट रैपिड इफेक्ट। दोस्तों रैपिड इफेक्ट दोस्तों फ्रूसिनामाइड का होगा, जो कि बहुत कॉमन सी दवा है दोस्तों, फ्यूरोसिमाइड जो कि हमेशा दोस्तों यूज होता है इंजेक्शन के फार्म में, लैक्सिक्स जिसको बोलते हैं लैक्सिक्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करेंगे विच ड्रग इज डायरेक्टली एक्टिंग वेसोडायलेटर। वेसोडायलेटर में मतलब दोस्तों वेसल्स को जो डायलेट करे, जो वेसल्स को दोस्तों बढ़ा, जो नैरो होता है दोस्तों उसको क्या करता है, डायलेट कर देता है। उसमें दोस्तों होता है निफिडीपाइन दोस्तों इसमें होता है सही।
नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे, विच आर द फॉलोइंग एंटी फंगल एजेंट इज ए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दोस्तों क्या है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया कैल्शियम ब्लॉकर दोस्तों क्या है, इसमें भी दोस्तों क्या हो जाएगा, निफी डिपाइन हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे ड्यूरेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन एक्शन सबलिंगुअल। दोस्तों जो नाइट्रोग्लिसरीन होता है, नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट होता है, वो दोस्तों एंटी एंजाइनल ड्रग होता है, जिसे हार्ट में दोस्तों जो पेन वगैरह होता है उसके लिए कॉमन सी दोस्तों ड्रग है नाइट्रोग्लिसरीन। तो वो दोस्तों सबलिंगुअल लिया जाता है, जीभ के नीचे उसको दोस्तों रख कर उसको एब्जॉर्ब होने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो वही पूछा गया कितने टाइम तक दोस्तों उसको लिया, कितने टाइम तक आप रख सकते हैं, 10 से 30 मिनट तक दोस्तों वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, 10 से 30 मिनट में वो दोस्तों एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे विच ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ सुप्रा वेंटिकुलर टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया में से दोस्तों जो होता है, जो हार्ट रेट होती है दोस्तों बढ़ जाती है, उसमें दोस्तों कौन सी ड्रग यूज होती है, वो होती है डिजॉक्सिन। टैकीकार्डिया ब्रेडिकार्डिया मतलब दोस्तों घटा हुआ, टैकीकार्डिया मतलब बढ़ा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे विच इज द क्लास एंटी रिदमिक ड्रग। एंटी रिदमिक ड्रग का दोस्तों कौन सा ड्रग है दोस्तों, वह दोस्तों प्रोपेनोलॉल, जो दोस्तों बीपी के लिए यूज होता है। जैसे कोई भी लाल हो दोस्तों, जैसे लाल जो लास्ट में लगा है लाल, टीमो लाल, वो दोस्तों क्या होते हैं, बीटा ब्लॉकर होते हैं, ठीक है। वो जैसे बीपी वगैरह में यूज होते हैं, तो बीपी दोस्तों किससे रिलेट करता है, वो हार्ट से रिलेट करता है, ठीक है, इसीलिए प्रोपेनोलॉल सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों ये एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओरल आयरन थेरेपी। ओरल आयरन थेरेपी दोस्तों एडवर्स इफेक्ट दोस्तों कॉन्स्टिपेशन है। क्या है, कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों द मैकेनिज्म ऑफ स्टिमुलेटिंग परगेटिव। दोस्तों स्टिमुलेटिंग परगेटिव लगजेटिव आप लोग जानते होंगे, इसमें दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ एन एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉलिड, ये नहीं होगा दोस्तों। इंक्रीजिंग मोटिलिटी एंड सिक्रिएशन, अल्टरेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन, इंक्रीजिंग द वाटर कॉन्टेंट, इसमें दोस्तों इंक्रीजिंग द मोटिलिटी, जो दोस्तों परगेटिव होता है, जो लूज मोशन में दोस्तों यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग ए प्रोटियोलाइटिक इंजाइम। दोस्तों प्रोटियोलाइटिक इंजाइम दोस्तों क्या है, इसमें से ये है दोस्तों बी वाला सही हो जाएगा, इसमें डेसोज़री दोस्तों आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत लंबा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इंडिकेट द एनेस्थेटिक विच यूज इंट्रावेनसली। दोस्तों कौन सी जो एनेस्थेसिया है, जो ऑपरेशन ऑपरेशन में दोस्तों यूज होता है, लॉन्ग अप जनरल ऑपरेशन में जो दोस्तों यूज होता है, एक जनरल होता है एक लोकल होता है दोस्तों। तो जनरल जैसे जो लंबा ऑपरेशन चलता है उसमें दोस्तों आईवी दिया जाता है, तो वो कौन सा ड्रग है दोस्तों, वो होता है प्रोपोफॉल, ठीक है, प्रोपोफॉल। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों लिथियम कार्बोनेट इज यूजफुल ट्रीटमेंट ऑफ। लिथियम कार्बोनेट दोस्तों कहाँ यूज होता है, होता है बाइपोलर डिसऑर्डर। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और दोस्तों अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को। वीडियो पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।